नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव। रवि किशन को अपना पिता बताने वाली लड़की अब चाहती है कि वो डीएनए टेस्ट करवाए। एक इंटरव्यू से बातचीत में शिनोवा ने बताया कि कैसे उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विवाद को अगर खत्म करना है तो रवि किशन को पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा। शिनोवा ने कहा, अगर ये सच नहीं है तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे और ये क्यों कह रहे हैं कि ये झूठ है। मैं बस ये मांग कर रही हूँ कि आप डीएनए टेस्ट करवाएं। आप चुप हैं और किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे पूरे परिवार, एक वकील और यहाँ तक कि एक पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, वो भी झूठे इल्जामों के साथ कि हम आपसे पैसे ऐंठना चाह रहे हैं। रवि किशन की पत्नी ने दर्ज कराई FIR। रवि किशन की पत्नी प्रीति ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 लोगों यानी कि अपर्णा सोनी, उनके पति राजेश सोनी, बेटी शिनोवा, बेटे सोनक सोनी, समाजवादी पार्टी नेता विवेक के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर IPC धारा 120 बी, 195, 386, 388 और 504 और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रीति शुक्ला ने आरोप में ये भी कहा कि अपर्णा सोनी ने उन्हें अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की धमकी दी थी। प्रीति शुक्ला ने यह दावा किया है कि अपर्णा ने उनसे कहा था कि अगर तुम बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को झूठे बलात्कार के मामले में फंसा दूंगी। FIR में अपर्णा ठाकुर द्वारा 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी जिक्र है। गोरखपुर से BJP उम्मीदवार और एक्टर रवि किशन पर अपनी बेटी का पिता होने का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की शिकायत पर कार्रवाई की है। सोमवार को लखनऊ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई की रहने वाली अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर ने यह दावा किया कि रवि किशन उनकी 25 वर्षीय बेटी शिनोवा के पिता हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि रवि किशन उनकी बेटी का हक मार रहे हैं। अब शिनोवा ने खुद सामने आकर कहा है कि रवि किशन पैटर्निटी टेस्ट करवाए। रवि किशन की बेटी को चाहिए DNA टेस्ट। शिनोवा ने कहा, वो मेरे पिता हैं और मुझे हक है कि मुझे अपना लीजिए। मैं आज ये बात अचानक नहीं कह रही हूँ, इस बीच बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन मैं उन सब के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को इस वक्त परेशान किया जा रहा है। हम सभी एक साथ न जाने कितनी चीजों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले रवि किशन की पत्नी प्रीति ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने 6 लोगों, अपर्णा सोनी, उनके पति राजेश सोनी, बेटी शिनोवा सोनी, बेटे सोनक सोनी, समाजवादी पार्टी नेता विवेक के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर IPC की धारा 120 बी, 195, 386, 388, 504 और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला कितना सही है या कितना गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।